बड़े पापा जी भी आ रहे ना? भोजन सुनने नहीं जा रहा हूँ। भजन सुनने बोला मैंने, भोजन नहीं। Hey guys, good morning. Welcome back to my new vlog. So, सुबह के भी 9:21 बज चुके हैं। और भाई जब भी मेरी आवाज़ सुनता है डॉगी सीधा नीचे आ जाता है, पता नहीं किसी भी फ्लोर को ऊपर जाके सोता है। सभी फ्लोर पे कोई भी फ्लोर मिल जाए ना जहाँ पे इसको जगह मिल जाए वहाँ जाके सो जाता है, एक कोने में जाके सोता है ताकि कोई आए तो इसको देख ना पाए। चलो कोई नहीं, डॉगी आ चुका है, इसको बिस्किट देता है। एक्चुअली आज घर में थोड़ी बहुत साफ सफाई चली एंड उसमें से एक दो बिस्किट पैकेट जो भी खुल गए थे ना, इसलिए मम्मी जी ने बाहर रख दिया। सो चलते हैं हनुमान, इसको बिस्किट का पैकेट देते हैं। आ जाओ डॉगी, आ जाओ, आ जाओ, चलते हैं भाई। मम्मी को बिस्किट का पैकेट दे दो, डॉगी को दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पड़ा है। तो देते डॉगी को बिस्किट पैकेट। राजा यार बिस्किट खाएगा? चलो बिस्किट का पैकेट खोल दिया है, डॉगी खा लेगा। तो अभी अपलोडिंग हुआ, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है एंड वहाँ पे पापा जी मम्मी जी एंड लेबर अंकल के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। जो भी रेती वगैरह और छुड़ानी है ना, आधी कल छुड़ा दी थी एंड आधी और बची है जो कि आज छुड़ाएंगे कहते हैं। चलो कहीं नहीं, पहले इसको डस्टबिन में डालते हैं एंड आज हमें 10 बजे जाना है ड्राइविंग क्लास के लिए, जो भी 8 सिखाएंगे एंड हिच भी सिखाएंगे आज। एक्चुअली कल वाले ग्राउंड में बहुत ही अप एंड डाउन था तो सही सीख ही नहीं पाए थे यार, तो आज सही वाले ग्राउंड में लेके जाएंगे थे, वहाँ पर सिखाएंगे। फिलहाल अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, मस्त रोटी दही एंड मिर्ची खाते हैं यार। कोई नहीं, पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड फिर निकलते हैं। फाइनली अभी भैया का कॉल आ चुका है तो हम, मैं एंड दीदी फिलहाल बाहर आ गए, भैया भी आ चुके हैं। तो पहले तो अपने अटेंडेंस लिख लेते हैं। भाई स्पीड ब्रेकर आ गया, लिखने को ही नहीं हो रहा है यार कार में। चलो कोई नहीं, पहले तो लिख लेते हैं मेरा एंड दीदी का, दोनों ही लिख लेता हूँ। फिलहाल अभी ग्राउंड के अंदर पहुंच गए, जो भी छोटा सा ग्राउंड है एंड यहाँ पे जमीन एकदम लेवल है यार। जिधर कल गए थे ना वहाँ तो बहुत ही अप डाउन था। तो फिलहाल भी दीदी चला रही है कार, जो कि दीदी 8 बना रही है। अभी ऐसे घूम के वैसे आएगी दीदी। कार से बाहर भिजा दिया, मस्त यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ पे पत्थर मिल गया तो मस्त बैठ गया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, पहले दीदी को चलाने देते हैं एंड फिर हम चलाएंगे। फिलहाल अभी हम चलाते हैं कार। कंप्लीट किया थी, मस्त घर पे आ गए थे। भाई भाई पे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था एंड घर पे आके फ़ोन चार्ज किया तो 69% अभी चार्जिंग हो गया एंड दोपहर के अभी 12:43 भी बज चुके हैं। तो मस्त अभी लंच करते हैं एंड दीदी तो मस्त सो चुकी हैं, अभी आपको दिख रहा होगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल हम लंच करते हैं फिर मैं भैया का बेटी से लेके जाना है। आज एक्चुअली मम्मी जी ने कुछ सब्जी बनाया नहीं है एंड दीदी भी नहीं बनाई थी, दीदी भी थक गई थी ना, तो मस्त अचार एंड चावल खाते हैं। तो अभी लंच वगैरह हो चुका है, भैया का टिफिन भी आ गया, तो अभी चलते हैं दुकान पर। सब फिलहाल अभी दुकान पे पहुंच गए थे एंड भैया ने खाना वगैरह सब कुछ खा लिया। तो यार बाहर तो इतनी कड़ी धूप गिर रही है ना, दुकान पे बैठने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार, एकदम गर्मी सा लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पीछे जाके बैठ जाऊँ मैं। और क्या ही घर है दुकान में, क्योंकि गिराक भी नहीं है दोपहर में, बिल्कुल ही नहीं है यार। जब मौसम तो अपने नींद में मस्त है, लेकिन भैया ने जगा के उठा दिया एंड भैया ने कहा दुकान पर बैठे, क्यों भैया गैस पर फिलहाल कॉफ़ी पीने, बता नहीं भैया कमाएंगे। एंड आज हमें शाम में जल्दी जाने की भी जरूरत नहीं घर पर, क्योंकि हमारा ड्राइविंग क्लास खत्म हो चुका है, तो शाम को डायरेक्ट 5 बजे या फिर 6 बजे जाएंगे, जब भी पापा जी का कॉल आएगा तभी जाएंगे। सो फिलहाल घर पे आ गए थे एंड मस्त अभी काम चल रहा है, जो भी पापा जी लेबर अंकल एंड अंकल मिल के काम करा रहे हैं, पता नहीं कब ख़त्म होगा पूरे पतन को। आज ये वाला पार्ट हो गया, मेरे ख्याल से कल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम, वो वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट दोनों कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रही बहुत ही शोर, हम चलते हैं ऊपर। फिलहाल कुछ रिलेटिव्स ऐसा है जो कि बिल्डिंग देखने आ रहे हैं, चलो कोई नहीं दिखाते हैं, हम चलते हैं डॉगी के साथ टॉप फ्लोर पे। चल डॉगी आ जा, रेस करते हैं, देखते डॉगी ऊपर फंस जाएगा या मैं इसको धोखा दूंगा ना, फिर भी ये पहले चले जाएगा। आ जा, भाई डॉगी आ रहा है,
भागो भागो भाई, थक गए यार। कुछ कुछ सीढ़ी और, चलो हम जीत गए। डॉगी हार गया, डॉगी तू हार चुका है, डॉगी हार गया। ए यार बहुत ही थक गए, लेकिन डॉगी बिल्कुल ही नहीं थका यार। ऐसे मस्त अभी सनसेट दिख रहा है, बहुत ही सही है यार। इतनी हाइट में सनसेट एकदम मस्त वाला दिखता है यार। हम अपने शूज पहनते हैं एंड फिर जिम क्लास के लिए चलते हैं। एंड पापा जी को भी आज बाहर जाना है, पापा आज जा रहे हैं मस्त भजन सुनने। मम्मी जी तो नहीं जा रही, मम्मी जी यहीं पे रुकेंगी, खाली पापा जी जा रहे हैं, पापा जी एंड बड़े पापा जी जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, हम तो शूज पहनते हैं एंड फिर ड्राइविंग क्लास जाएंगे। यार गलती से ड्राइविंग क्लास बोल दिया, दीदी भी हंसने लगी। ड्राइविंग क्लास नहीं, जिम क्लास जाएंगे, है ना। चलो कोई नहीं, शूज पहनते हैं एंड फिर चलते हैं। बाय पापा। तो पापा जा रहे हैं अभी भजन सुनने, बड़े पापा जी भी आ रहे हैं ना। भजन सुनने नहीं जा रहा हूँ, भजन सुनने बोला मैंने, भोजन नहीं। तो बड़े पापा भी आ रहे हैं ना। चलो कोई नहीं, जाके आओ, इंजॉय करो। तो पापा मस्त अपने भजन सुनने में इंजॉय करेंगे। कहीं पे पता नहीं कहाँ पे जा रहे हैं, शायद भूमिपल्ली जा रहे होंगे वहीं पे आज, तो क्योंकि न्यूज पेपर में आया था। चलो कोई नहीं, फिलहाल मैं दीदी चलते हैं जिम क्लास, पापा जी वहाँ पे इंजॉय करेंगे एंड मैं और दीदी बस अपने जिम वर्कआउट खत्म करके आते हैं। तो अभी चलते हैं जिम क्लास। तो जिम क्लास खत्म हो गई एंड फिर दुकान पे चलते हैं। तो दीदी तो ऑलरेडी चले गई, तो अभी हम भी चलते हैं पहले दुकान पे। तो अभी फिलहाल दुकान पे आ गए एंड मैंने फटाफट से हिसाब वगैरह जो भी कंप्लीट करना था कर लिया, क्योंकि पापा जी गए थे बाजार में ना, तो मुझे आज हिसाब करना था। तो फटाफट से हिसाब मैंने कंप्लीट कर लिया एंड अभी हाथ से निकलते हैं सीधा घर के लिए। चलो दीदी चलते हैं अभी घर पे। चल दुकान पे कस्टमर आया ऐसा है एंड उनका मस्त डॉगी है यार, जो कि एकदम ब्लैक ही डॉगी है लेकिन बहुत ही प्यारा है यार। चलो कोई नहीं दीदी चलो, बहुत ही प्यारा है ना। चलो कोई नहीं, बाय डॉगी। अभी घर पे पहुंच चुके हैं, मम्मी जी फिलहाल डिनर कर रही हैं बस अपना फोन देखते हुए। चलो कोई नहीं, हम भी अभी 8 बार सब कुछ स्टार्ट करते हैं एंड फिर डिनर करने का प्लान है। चलो कोई नहीं, अभी तो जस्ट 9:40 बजाएं, तो फटाफट से डिनर सपोज कम्प्लीट करते हैं एंड फिर डिनर करेंगे। रात के 11 बज चुके हैं एंड अभी आधी नींद आ रही है एंड आधा जग रहे हैं यार। चलो भाई नहीं फिलहाल तो अभी डिनर करते हैं। अभी पापा जी भी आ चुके हैं भजन से एंड पापा जी भी आके मस्त हो गए हैं, मुझे अभी भी खतरनाक वाली नींद आ रही है। तो 50% एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है एंड थोड़ी बहुत एडिटिंग अभी भी बाकी है। चलो भाई नहीं फिलहाल तो मस्त डिनर करते हैं एंड फिर देखते हैं, अगर नींद नहीं आ रही है तो थोड़ी बहुत एडिटिंग कम्प्लीट करके सोते हैं। ये तो मस्त हो जाते हैं, सुबह भी अब कर लेंगे टाइम, क्योंकि तो अपने पास टाइम रहता ही है ना, देख लेते हैं एंड ब्लॉग को भी अन करते हैं, बस 18 तक करते हैं एंड फिर नहीं तो जाते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अपना पसंद, लाइक करना, मिलते हैं।